ये भी सर का बन रहा है इनका। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ से रेस्क्यू कॉल आया, देखते हैं कौन सा साँप है। सर वो ऑफिस में बैठा था, वो तो मालूम भी नहीं वैसा, जिस दिन से बोला निकल सकता है। नहीं खाया आपने? ये वो ही दिक्कत दे रही है, देखना मुंडा है तेरी। तो दोस्तों देखिए, इसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है, भारतीय नाम, और ये काफी विषैला सांप होता है। हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है और जल्दी जल्दी हम इसको वापस नेचर में जो है रिलीज कर देंगे। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग। तो दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है, संदीप जी ने हमें कॉल किया था और यहाँ से अभी हमने जो है इसको रेस्क्यू किया है। अब जल्दी से जल्दी हम इसको नेचर में जो है वापस रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले आपने देखा कि इसको हमने एक ऑफिस के यहाँ से जो है रेस्क्यू किया था, स्पेक्टिकल कोबरा, और अब हम यहाँ नेचर में इसको जो है रिलीज़ करना है। तो सांपों को हम जैसे ही रेस्क्यू करते हैं, जितना जल्दी होते हैं हम उसको वापस नेचर में रिलीज़ भी कर देते हैं, किसी सांप को हम अपने पास रखते नहीं है। तो अभी इसको हम यहाँ जंगल में जो है वापस छोड़ना है। एक बार मैं आपको पास से दिखाता हूँ इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, देखिए कितना सुंदर दिखता है ये नाग, देखिए इसकी फुफकार और कि कितना प्यारा नाग है ये, लेकिन उतना खतरनाक भी है, उतना विषैला भी है। तो अब इसको हम ना देरी करते हुए जल्दी से जल्दी जो है छोड़ देते हैं। तो दोस्तों एक फीमेल स्पेक्टिकल कोबरा है, और देखिए आप लोग कितने एग्रेसिव होते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, पर उतने ही प्यारे भी होते हैं। कोई भी सांप कभी आगे रहकर नहीं काटता है, जब तक हम उसे छेड़ते नहीं हैं, जब तक उस पर पैर नहीं रखाता है, तब तक कोई भी सांप काटता नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको कोई से भी सांप को मारना नहीं है, चाहे वो कितना ही विषैला हो, और सांपों से डरना नहीं है, बस दूरी बना के रखना है।